सामने एक ऐतिहासिक पल जिसके इंतजार में आप सब भी काफी देर से हैं और जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। जी हाँ, ये है सरकार के शानदार प्रयासों का एक शानदार पड़ाव। नियुक्त है आपके लिए। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी नगर विकास और आवास विभाग में सहायक नगर निदेशक के रूप में सावित्री कुमारी। सादर निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ये नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान करने की कृपा की जाए। महोदय, अन्य अतिथिगणों से भी निवेदन, सहायक नगर निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है, आप हैं सावित्री कुमारी। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। सहायक नगर निदेशक के रूप में ही नगर विकास और आवास विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने वाली है विनीता खलको। आमंत्रण आपको इस मंच पर। विनीता खलको, जोरदार तालियां होनी चाहिए। नगर विकास और आवास विभाग में ही कनीय अभियंता के रूप में क्रांति कुमारी। कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक क्रांति कुमारी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के पद पर आपकी नियुक्ति के लिए ये नियुक्ति पत्र आपको माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इस समय प्रदान किया जा रहा है। कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक के रूप में ही सागर प्रसाद चौधरी अगले अभ्यर्थी हैं। श्री सागर प्रसाद चौधरी कनीय अभियंता नगर विकास और आवास विभाग। इसी विभाग में तिलक धारी बीदिया जी मैकेनिकल में आपकी नियुक्ति हुई है। जूनियर इंजीनियर यांत्रिक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। अगला आमंत्रण होगा किशन कुमार दास जी मैकेनिकल। तालियों की गड़गड़ाहट तेज होनी चाहिए। आपकी शुभकामनाएं आपकी तालियों के माध्यम से इन तक और इनके उज्जवल भविष्य तक जरूर पहुंचनी चाहिए। लगातार और जोरदार तालियों की का निवेदन करती हूं आप सभी से। अगला आमंत्रण होगा प्रियंका सिंह, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही विस्तार से बताया है कि ये मुख्य सचिव महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रियंका सिंह स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के रूप में आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रकाश कुमार मंडल स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर आप भी हैं और आप अपने काम को बखूबी करेंगे। इस हेतु हमारे माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। एकमात्र चयनित अभ्यर्थी पद पाइपलाइन इंस्पेक्टर एलेक्स गुड़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति हुई है और अब मैं आमंत्रण दे रही हूं अभिषेक कुमार कनीय अभियंता के रूप में आपकी नियुक्ति है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। सनाउल्ला अंसारी अगले आएंगे। सनाउल्ला अंसारी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रेमचंद उराव जूनियर इंजीनियर इन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट पेयजल और स्वच्छता विभाग। प्रेमचंद उराव, तालियों की गड़गड़ाहट और तेज होती रहनी चाहिए। मधु कुमारी अगली अभ्यर्थी मधु कुमारी ये नियुक्ति पत्र जूनियर इंजीनियर के रूप में आपको ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में। माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट स्नेहा गुप्ता खनन निरीक्षक के रूप में आप नियुक्त हुई हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको इस समय प्रदान किया जा रहा है। चंदन कुमार रविदास माइनिंग इंस्पेक्टर के रूप में आपने माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। निशांत कुमार महतो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मोटर यान निरीक्षक, जोरदार तालियां हो जाएं।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में परिवहन विभाग में आपकी नियुक्ति है। रवीना कुमारी आप भी हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रूप में नव नियुक्त अभ्यर्थी और यह नियुक्ति पत्र इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। हमारे ऊर्जा विभाग में कृष्ण पाडा महतो जूनियर इंजीनियर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त अतिथिगणों का। एक बार जोरदार तालियां और आप सबके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है एक बार दोनों हाथों को ऊपर करके दिखा दीजिए ये नियुक्ति पत्र और दिखाइए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। आप सब धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी। इनके खुशियों की चाबी इनके हाथ में है, इनके विकास की कुंजी इनके हाथ में है। अब न ये थमेगा युवा न रुकेगा युवा, आपके प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ेगा झारखंड का युवा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कृपया अपना हाथ नीचा कर लेंगे और आइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति हम सबके अंदर नई ऊर्जा संचारित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हमेशा मिलता रहे इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव नगर विकास सबसे पहले हम सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग से श्री अरवा राज कमल सरसे की कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। उसके बाद हम अंत में ग्रुप फोटोग्राफी भी करेंगे, अविस्मरणीय पलों को कैमरे में भी कैद करेंगे। लेकिन इससे पहले आभार स्वरूप धन्यवाद स्वरूप ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के शानदार और ईमानदार प्रयासों के लिए। हाँ, सभी कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि आप इधर आ जाएंगे इस स्मृति चिन्ह के बाद में। अगला आग्रह होगा सचिव जल संसाधन विभाग श्री प्रशांत कुमार सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री चंपाई सुरेन जी को यह स्मृति चिन्ह और ये शॉल सम्मान स्वरूप प्रदान करने की कृपा करेंगे सर। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करती हूँ सचिव खनन विभाग श्री जितेंद्र कुमार सिंह से माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर को ये स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान कर हम सब की तरफ से सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करेंगे महोदय। निवेदन श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर खनन सचिव डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर माननीय वित्त मंत्री महोदय के लिए ये स्मृति चिन्ह और शॉल। मेरा अगला आग्रह होगा सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री राजेश कुमार शर्मा सर से माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को हम ये सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हो आप सबकी तरफ से। मैं निवेदन करती हूँ सचिव परिवहन विभाग आदरणीय श्री कृपानंद झा सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी के लिए ये शॉल और स्मृति चिन्ह सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण इस मंच पर हम कर रहे हैं आपके लिए सर। निवेदन करती हूँ सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री मनोज कुमार सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री हफीजुल हसन सर के लिए ये स्मृति चिन्ह और ये शॉल सम्मान स्वरूप महोदय। और ये स्मृति चिन्ह मेरा अगला आग्रह होगा अपर सचिव नगर विकास विभाग श्री ज्ञानेंद्र कुमार सर से मुख्य सचिव आदरणीय श्री एल ख्यांगते सर की उपस्थिति है हम आभार व्यक्त करते हैं और ये स्मृति चिन्ह और शॉल सम्मान स्वरूप आपको भेंट कर रहे हैं मुख्य सचिव महोदय है।